पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए श्रमिक विभाग ने एक बड़ी पहल करने जा रहा है। 1 मार्च 2023 को श्रम विभाग 2000 से अधिक बेटियों का समूह विवाह का आयोजन संगम स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित करेगा। समारोह में प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक समेत 2500 लोग मौजूद रहेंगे। इस भव्य आयोजन के लिए श्रम विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना को लेकर प्रयागराज मंडल के तहत प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर जिले के पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अपने से टारगेट तय किया है, सरकारी रूप से कमी नहीं है, लड़का 21 साल से कम ना हो, जिन धर्मों में हमको जोड़े मिलेंगे, निकाह भी होगा इसमें, शादियां विवाह भी होंगे। वही सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो कि प्रयागराज मंडल में पंजीकृत है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख भी 15 फरवरी तय कर दी गई है। राजेश मिश्रा ने बताया कि श्रमिक का पंजीकरण सरणी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में होना है, तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए कुल 75,000 दिए जाएंगे, 10,000 विवाह के पहले वरवधु को कपड़े के लिए दिए जाएंगे, जबकि 65,000 विवाह के बाद श्रमिक के खाते में भेजे जाएंगे। 1 मार्च को मौसम बहुत अच्छा होगा, उस समय हम लोग पूरे प्रयागराज मंडल में के जो 4 जिले हैं सभी में जो हमारे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार हैं जो हमारे 1 वर्ष से पंजीकृत हैं, उनकी बेटियों के लिए या वो स्वयं अगर विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के लिए एक भव्य आयोजन करते हुए सामूहिक विवाह का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। 15 फरवरी तक इसमें हम लोग सभी जो हमारे पंजीकृत श्रमिक हैं उनको मैं आह्वान करता हूं कि आवेदन करें, और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था होगी वो हम लोग कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 2000 जोड़ों की शादी हम लोग इसमें करवाएंगे। कुछ राशि भी आप लोग देंगे इनको? इसमें हम लोग 65,000 रुपये उनके खाते में विवाह के बाद और 10,000 रुपये पहले उनके खाते में, 5,000 रुपये वर और वधु के जोड़ों के लिए ताकि वो खरीद कर विवाह में अच्छे से शामिल हो सके, जोड़ों के लिए धनराशि पहले ही उनके खातों में भेजी जाएगी। अभी तक कुछ आपके पास आए हैं रजिस्ट्रेशन? कब तक हमारे पास करीब अभी 400 आवेदन हैं जिनकी जांच हम शुरू करा रहे हैं। बहरहाल इस योजना के लिए अब तक 400 से अधिक आवेदन प्राप्त आए हैं। योगी सरकार के साथ श्रम विभाग की ये लाभकारी योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी डेडलाइन तक 2000 से अधिक श्रमिक इस आयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।